पिछली वीडियो में हमने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के बारे में जाना था और उसके एसेंशियल्स के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में किस तरह से अपना बचाव किया जा सकता है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मतलब किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से कहीं पर बंद कर देना या फिर गिरफ्तार कर देना, इसी को हम मिथ्या कारावास या फिर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कुछ कंडीशंस में किसी जगह पर रोक कर रख लिया जाता है और उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो वहां पर इसे अवैध तरीके से गिरफ्तार करना नहीं कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही फेमस शो है बिग बॉस। आपने उसमें देखा है कि कंटेस्टेंट को एक घर में बंद कर दिया जाता है और बाहर की दुनिया से उनका कांटेक्ट खत्म कर दिया जाता है। तो क्या इसे मिथ्या कारावास या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। उन कंटेस्टेंट को वहां पर कुछ कंडीशंस के अंतर्गत रखा गया है और उन कंडीशंस को पूरा करने के बाद ही वो वहां से बाहर निकल सकते हैं। एक फेमस केस है रॉबिन्सन वर्सेस वॉलमेल फेरी कंपनी लिमिटेड। इस केस में पेटिशनर ने डिफेंडेंट को नाव के द्वारा नदी पार करने के पर्पस से चार्ज देकर उसमें एंट्री ली थी, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि अगली नाव 20 मिनट के बाद ही जाएगी, तब उसे बाहर निकलने की इच्छा हुई। लेकिन जब वो एग्जिट गेट पर गया तो उसे बाहर नहीं निकलने दिया गया। बाहर निकलने के लिए उससे चार्ज मांगा गया और जब तक उसने चार्ज नहीं दिया उसे वहीं पर रोक कर रखा गया। तो कोर्ट ने इस केस में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होना एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इस केस में बाहर निकलने के लिए शर्तें पहले से ही मालूम थीं। लेकिन तब क्या हो कि अगर कोई कोर्ट गलती से किसी भी ऐसे मामले में गलत आदेश दे देती है, यानी कि जहां पर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं था और वहां पर भी ऐसा फैसला सुना दिया गया कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट था, तो कानून ये कहता है कि कोर्ट का फैसला भले ही गलत हो या उसके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर ही क्यों ना हो, या फिर ऐसा फैसला सुनाने की उसकी पावर भी ना हो, तब भी कोर्ट किसी के अंडर काम नहीं करता। कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, लेकिन उसे गलत नहीं कहा जा सकता। पर अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और वो किसी व्यक्ति को गलत तरीके से आदेश देता है कि गिरफ्तार कर लिया जाए, तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पुलिस को ये पावर नहीं है जो कि कोर्ट को है। एक फेमस केस है कुंदन लाल वर्सेस डॉक्टर देशराज केस। इस केस में बेल बॉन्ड को रद्द किए जाने के लिए एक एप्लीकेशन दी गई थी। पुलिस ऑफिसर ने उसकी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया, जिसके बाद पेटिशनर को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। किसी भी पुलिस ऑफिसर को बेल बॉन्ड को रद्द करने की पावर नहीं होती और ना ही वो किसी व्यक्ति को दोबारा से गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है। ये पावर सिर्फ एक मजिस्ट्रेट के पास होती है। तो इस केस में पुलिस ऑफिसर को फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तो किसी भी केस में अगर किसी व्यक्ति का फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाता है, अवैध तरीके से किसी की गिरफ्तारी की जाती है, कहीं पर कैद कर दिया जाता है, तो डिफेंडेंट को अपने बचाव में सिर्फ इतना ही प्रूफ करना होता है कि जो गिरफ्तारी थी वो अवैध नहीं थी। अगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर थे। अगर किसी को कहीं पर बंद करके रखा गया था तो वहां पर कुछ न कुछ शर्तें लागू होती थी, और अगर डिफेंडेंट इन चीजों को प्रूव कर पाता है तो वो अपना बचाव कर सकता है। तो होप फ्रेंड कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।